आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। इस समय मंडियों में सोयाबीन, अरहर और चने के दाम में थोड़ी गिरावट आई है। वर्तमान में सोयाबीन और चने की आवक बड़ी मात्रा में हो रही है, जिसके चलते रेट में कमी भी आई है। सोयाबीन उत्पादक किसान उम्मीद लगा रहे थे कि अंतिम चरण में रेट अच्छे मिलेंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। सोयाबीन सीजन भले ही अपने अंतिम चरण में है, लेकिन भाव 8,000 तक नहीं पहुंच पाया है। किसानों को उम्मीद थी कि दरें 10,000 रुपए तक जा सकती हैं, लेकिन बाजार उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ा है, इसलिए किसानों को 7,600 रुपए से अधिक का रेट नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर चने के भाव में भी गिरावट आ रही है। चना 4,500 रुपए से ऊपर चल रहा है, चना अब घटकर 4,400 रुपए पर आ गया है। इसलिए कृषि विशेषज्ञ किसानों का अपनी उपज को चरणों में बेचने की ये सलाह दे रहे हैं। किसानों को पता था कि उत्पादन कम होने से सोयाबीन की कीमतें बढ़ेंगी, इसलिए कुछ किसानों ने सोयाबीन का भंडारण करा लिया था। इसके बाद कीमतों में बढ़ोतरी भी देखी गई है, लेकिन सीजन के आखिरी चरण में तस्वीर बदल गई। सोयाबीन की कीमत जो पहले 7,350 रुपए थी, वह अब 7,220 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। इसके बावजूद सोयाबीन की आवक जारी है। किसान मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए संग्रहित सोयाबीन को बेचने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वहीं सोयाबीन के बाद लातूर कृषि उपज मंडी समिति में अरहर और रबी चने का स्थान आता है। यहाँ पर इनकी खरीदी भी शुरू हो गई है। सरकार ने एक क्विंटल चने के लिए 5,230 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत तय की है, जबकि खुले बाजार में 4,440 रुपए ये है। अरहर का भी यही हाल है और तय कीमत से 150 रुपए कम पर किसान इसे बेच रहे हैं। वहीं किसानों को सलाह, कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि खरीफ सीजन शुरू होने के साथ ही किसानों को अब पैसों की जरूरत है, इसके चलते किसान उपज जल्दी से जल्दी पर इसे बेच दे। इसी के कारण लातूर कृषि उपज मंडी समिति में सोयाबीन के साथ अरहर व चने की आवक में इजाफा देखा गया है। आवक बढ़ने से कीमतों में गिरावट भी आई है, इसलिए किसानों को अपनी उपज को बिना आवक बढ़ाए अब चरणों में इसे बेचने की जरूरत है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।